केंद्र सरकार एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है, क्योंकि साल में दो बार बढ़ाए जाने वाले डीए में बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। सरकार अगर बढ़ाने का ऐलान करती है तो उनका महंगाई भत्ता और बढ़ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को, पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। डीए में 3% के बढ़ोतरी की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। साल 2023 की दूसरी छमाही के लिए सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में इजाफे यानी कि डीए में हाइक का ऐलान हो सकता है। इस बार कहा जा रहा है कि डीए में करीब 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। डीए में 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अभी तक मिलने वाला डीए अगर देखे तो वो 42% का महंगाई भत्ता बढ़कर 45% हो जाएगा। अगर ऐसा है तो करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी ले रहे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ना तय है। जनवरी 2023 से जून 2023 के AICPI इंडेक्स के नंबर्स पर महंगाई भत्ता तय हो चुका है। हालांकि इसका फिलहाल कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार जल्दी इसे मंजूरी दे सकती है। तो वहीं सूत्रों की माने तो इस बार सितंबर में इसका ऐलान हो सकता है और 27 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन CPI IWA के आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी श्रम ब्यूरो की तरफ से जारी किए गए आधार पर यह तय माना जा रहा है। इसके आंकड़ों पर गौर करें तो जुलाई 2023 में CPI IWA 3.3.2 पर चढ़कर 139.7 हो गया था। एक साल पहले की समान अवधि से तुलना करें तो ये करीब 0.90% का इजाफा दर्शाता है। तो वहीं देखा जाए तो महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है। महंगाई जितनी अधिक होती है कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी उतनी ही ज़्यादा होती है, यानी उतनी ही उम्मीद लगाई जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को संशोधन करती है। अगर आपको इसका सीधा सीधा हिसाब बता दें, जैसे कि मान लो आपकी किसी भी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपये है, तो अभी इस पर 42% के मुताबिक डीए देखे तो वो तकरीबन 7,560 रुपये बैठता है, लेकिन 45% के हिसाब से देखे तो ये बढ़कर 8,100 रुपये हो जाएगा, यानी मिलने वाले मासिक वेतन में सीधे 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।